सो क्लास 12 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो देखिए, इसका आज हम करेंगे इंट्रो वाला पार्ट। मैं हर एक लेसन कराने से पहले आपको उस लेसन का इंट्रो वाला पार्ट अलग से देता हूँ, जो कि 5 या 6 मिनट का ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर मैं आपको यही बताता हूँ कि इस लेसन के अंदर जो हमें फोकस करना है वो किन किन टॉपिक्स के बारे में करना है, बेसिकली ये जो लेसन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और, ये वाला जो लेसन है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या सर ये यूपी बोर्ड के लिए है, क्या ये बिहार बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हो तो आप यूपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो तो आपके लिए लेसन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यही आने वाला है। और सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है। तो आई होप कि आप इस चीज़ के बारे में तो अब समझ ही चुके होंगे। तो चलिए फिर आज के इस लेसन के इंट्रो पार्ट को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। अगर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको समझने में तो काफ़ी हेल्पफुल करेंगे, साथ ही वो एग्जाम टाइप से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं उनके बारे में कि वो कौन कौन से हैं, और साथ ही एक तरीके से ओवरऑल जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे दार्शनिकता के बारे में। तो दार्शनिक मतलब क्या होता है? फिलोसोफर। तो अगर मैं कुछ फिलोसोफर के एग्जांपल दूं तो जैसे फॉरेनर के बारे में बताऊं तो जैसे अरस्तू, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, और इंडियन फिलोसोफर की बात बताऊं तो जैसे कि रामानुज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, चाणक्य, तो ये सारे क्या थे? फिलोसोफर थे। तो इनमें जो चैप्टर के अंदर जिक्र दे रखा है वो गौतम बुद्ध के बारे में दे रखा है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और साथ ही थोड़ा सा टॉपिक जो है वो जैन धर्म के बारे में भी दे रखा है, जिसके अंदर हम महावीर जैन बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो जैन धर्म से ही संबंधित होगा, जिसमें जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इनके क्या क्या कार्य थे, साथ ही जैन धर्म का जो विस्तार था वह कहां कहां तक हुआ था, और इनकी जो शिक्षाएं थी वह कौन कौन सी थी, तो इन सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा जो एग्जाम में भी आ जाता है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इसके संस्थापक जैसे गौतम बुद्ध थे, तो इसकी खोज कब की गई थी, शिक्षाएं क्या क्या थी, साथ ही इनके जो समर्थक थे वे क्या क्या काम करते थे, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। और आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो अभी हमने विचारक और विश्वास के बारे में तो बात कर ली, अब बात आती है इमारतों की। तो देखिए, इसके अंदर इमारतों, अभिलेखों, मूर्तिकला के संबंध में भी जानकारियां दी गई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा स्तूप। तो स्तूप क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सांची के स्तूप के बारे में और अमरावती के स्तूप के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको चैप्टर में देखने को मिलेगी। और एक जो नया टॉपिक आएगा वो है नई धार्मिक परंपराएं। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना वो बौद्ध धर्म जब कमजोर हो गया था, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म के अंदर काफी ज्यादा कमी आने लगी थी। तो इस कारण दो नए वर्ग उभर कर आए थे, एक था हीनयान, दूसरे थे महायान। तो ये वाला जो टॉपिक होगा वो तो मैं आपको चैप्टर में ही समझाऊंगा अच्छे तरीके से। और एक और है, वो है हमारा पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, जिसके अंदर हम वैष्णव यानी कि विष्णु और शैववाद यानी कि शिव से संबंधित बातें जानेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मंदिरों के निर्माण के बारे में, कि कुछ प्राचीन मंदिर है उनका निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो ये तो है आपका इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू कंप्लीट। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपको इस चैप्टर के ऊपर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्तूपों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यही है आपके एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इन्हीं के ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। तो क्लास 12 स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, इस लेसन से पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, जिसका नाम था बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही कमेंट में मैंने पिन भी कर रखा है। तो देखिए, उस वाले लेसन से मैंने कुछ ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले हैं जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है। अगर आपने अभी तक वो टेस्ट नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही वो टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या है कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तो होगी और आपको अपने बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी पता चल पाएगी कि आपको चैप्टर के अंदर कितनी चीज़ें
पता है। तो आई होप कि अब आपको इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलेगा, कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के साथ जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।